दिल्ली की जहांगीरपुरी समेत मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में अवैध निर्माण पर बुलडोजर चल रहे हैं। इस पर सियासत भी गर्मा रही है और अब तो बुलडोजर की गर्मी बिहार भी पहुंच गई है। इस बात पर बिहार में राष्ट्रीय जनता दल समेत अन्य कई विपक्षी दलों ने इसकी निंदा की है। इस क्रम में नेता तेज प्रताप यादव ने भी ट्वीट कर इस कार्रवाई का विरोध जताया। उन्होंने ट्वीट में सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला कर दिया। अपने ट्वीट के साथ हैशटैग स्टॉप बुलडोजिंग हाउसेस देते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। इसके बाद उन्हें भारतीय जनता पार्टी एवं जनता दल यूनाइटेड के गुस्से का सामना करना पड़ा। बता दें कि तेजस्वी यादव ने बुलडोजर अभियान पर तंज कसते हुए कहा कि चीन ने हमारी सीमा में दो गांव बसा लिए हैं, लेकिन बुलडोजर तो दूर, इनकी हिम्मत नहीं कि उसके बारे में दो शब्द भी बोल सके। बुलडोजर सिर्फ जाति धर्म देखकर ही चलाएंगे या राष्ट्र की एकता, अखंडता व संविधान की भी चिंता करेंगे? अगर अवैध निर्माण है तो इतने वर्षों तक शासन प्रशासन क्या कर रहा था? बीजेपी के प्रवक्ता अरविंद सिंह ने निशाना साधते हुए कहा कि जो ज्ञान के अभाव में अनाप शनाप बोलते रहते हैं, वे समाज में दया के पात्र होते हैं। उन्हें पता नहीं कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद कार्रवाई की गई थी, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से उस पर रोक लगी है। कुछ लोगों को सूर्य पर थूकने की आदत होती है, जिसका छींटा उन्हीं पर पड़ता है। जेडीयू के प्रवक्ता निखिल मंडल ने कहा कि ऐसा बयान पहली बार का नहीं है। पीएम या सीएम पर इस तरह के बयान तेज ब्रदर्स देते रहते हैं। पीएम भले ही किसी दल से जुड़े हों, लेकिन वे देश के प्रधानमंत्री हैं, वे सभी के लिए आदरणीय हैं। आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने महंगाई का हवाला देते हुए कहा, बीजेपी को यह बताना चाहिए कि आखिर ये बुलडोजर बेरोजगारी, महंगाई, भुखमरी और अपराध पर कब चलाएंगे? कोर्ट ने जब कार्रवाई पर रोक लगाई थी, फिर भी बुलडोजर चले, ऐसे में सरकार की मंशा पर सवाल खड़े होते हैं।